पेपा का क्रिसमस। क्रिसमस का दिन है। पेपा और जॉर्ज फादर क्रिसमस को लिखे खत पोस्ट करने जा रहे हैं। ये रहे पेपा के दोस्त। चलो पोस्ट बॉक्स तक रेस लगाते हैं। सारे बच्चे फादर क्रिसमस को खत पोस्ट कर रहे हैं। तुम सबने सांता क्लॉज से क्या मांगा है? स्कूटर, एक स्पेसशिप, एक छोटी गिटार, एक खिलौने वाला चूहा, एक स्किपिंग रोप, एक ट्रम्पेट, एक बैट और बॉल। पता है जॉर्ज ने एक टॉय ट्रेन मांगी है। और मुझे चाहिए एक यो-यो। ये आ गए पोस्टमैन मिस्टर ज़ेब्रा। ओहो, आज बहुत ज्यादा खत है। ये सारे खत हमने लिखे हैं सांता क्लॉज को। पता है सांता क्लॉज को खत मिलना बहुत जरूरी है। वो नॉर्थ पोल पर रहते हैं। हाँ, एड्रेस पर वही लिखा है। अगर आज मुझे नॉर्थ पोल पहुंचना है तो मैं यहाँ खड़े रहकर बात नहीं कर सकता। बाय। पापा, जॉर्ज, हम क्रिसमस ट्री लाने जा रहे हैं। क्या सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। ये है मिस रैबिट की ट्री शॉप। हेलो मिस रैबिट। हेलो हेलो। हमें एक ट्री खरीदनी है। आपको किस तरह की ट्री चाहिए? एप्पल ट्री या चेरी ट्री? मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए? हमें क्रिसमस ट्री चाहिए। ओह, मेरे पास तो सैकड़ों हैं। ये सबसे छोटी हैं। हमें थोड़ी बड़ी चाहिए। ये वाली देखिए कैसी है। इससे भी थोड़ी बड़ी। क्या आपको यकीन है डैडी पिग? मुझे तो ये बढ़िया लग रही है। और ये सबसे बड़ी ट्री है। ये सही है। तो ठीक है, गाड़ी तक पहुँचाने के लिए मैं मिस्टर बुल को बुलाती हूँ। मिस्टर बुल। हेलो, कैसे हैं सब? काफी बड़ी ट्री है। गाड़ी बड़ी है ना? हाँ। आपकी गाड़ी कहाँ है? ये है हमारी गाड़ी। ओह, हमारी गाड़ी सचमुच बहुत छोटी है ना? लगता है डैडी पिग को छोटी ट्री चुननी ही होगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसे उठाकर घर ले जाऊंगा। इतनी भी भारी नहीं होगी। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। डैडी को तो बहुत वक्त लग गया है। हमारी ट्री ठीक तो होगी ना? ये आवाज कैसी? वो डैडी है। हमारी ट्री लेकर आए हैं। डैडी, क्या ट्री बहुत भारी थी? हाँ, थोड़ी भारी थी। ट्री हमारे घर में फिट आनी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं उसे फिट कर दूंगा। सचमुच बहुत सुंदर ट्री है। घर तक उठाकर ले आने के लिए थैंक यू डैडी पिग। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। चलो इसे सजाते हैं। पेपा ने ट्री पर ग्लिटर लगाया। बहुत चमकीला है। जॉर्ज ने बॉल्स लगाए। मम्मी पिग ने फेरी लाइट्स लगाई और डैडी पिग ने ट्री के सबसे ऊपर स्टार लगाया। हो गया। वाओ, प्यारा सा तारा है क्रिसमस ट्री पर। ट्विंकल 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 थी। कितना प्यारा गाना है। और सारे पिगीज क्रिसमस दिन पर करे ओए ओए ओए। बढ़िया पेपा, और अब वक्त है। रुकिए, और भी है। ओए 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 ओए। प्यारा सा तारा क्रिसमस ट्री पर। अब तुम्हें रुकना चाहिए। तुम दोनों को पता है कल कौन सा दिन है? क्रिसमस का दिन। ये रहा नाश्ता सांता क्लॉज के लिए। डैडी, सांता क्लॉज चिमनी से नीचे क्यों आते हैं? वो सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आते?
अच्छा सवाल है पप्पा, अगर वो दिख जाए तो उनसे पूछ लेना। पर जब तक तुम सो नहीं जाते तब तक सांता क्लॉस बिल्कुल नहीं आएंगे। चलो ऊपर। मिस्टर ज़ेब्रा ने हमारे खत सांता क्लॉस को दे दिए होंगे ना? मुझे यकीन है दिए होंगे। डैनी को स्पेसशिप चाहिए थी, सूजी को स्कूटर, पेड्रो को गिटार। तुम्हारे दोस्तों ने जो मांगा वो सब तुम्हें याद है? हाँ डैडी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड नाइट मेरे प्यारे पिकेस, अच्छी नींद सोना। जॉर्ज, चलो रात भर जाग कर सांता क्लॉस को देखते हैं। जॉर्ज सो गया है। मैं तो जागने वाली हूँ पूरी रात। पेपा भी सो गई है। वो क्या था जो खिड़की के सामने से उड़ गया? हाँ? और ये आवाज कैसी थी? जॉर्ज, हमारी छत पर कोई जोर से आवाज आ रही है। ये सांता क्लॉस है। हो हो हो। सांता क्लॉस को बस कुछ और प्रेजेंट्स पहुंचाने हैं। पेपर को यो-यो चाहिए और जॉर्ज को चाहिए ट्रेन का इंजन। ये चिमनियां इतनी छोटी क्यों बनाते हैं? ये क्या, सांता क्लॉस की लिस्ट तो उड़ गई। और ये चिमनियां इतनी गंदी भी क्यों होती है? किसी ने मेरे लिए वनीला मफिन्स और चॉकलेट दूध रखा है। यम्मी। हो हो हो। जॉर्ज, ये सांता क्लॉस है। हेलो बच्चों, बताओ कौन हो तुम? मैं पेपा हूँ। और ये स्मार्ट और प्यारा बच्चा कौन है? ये है जॉर्ज। तुमसे मिलकर खुशी हुई जॉर्ज। क्या ये प्रेजेंट्स मेरे और जॉर्ज के लिए हैं? हो सकता है। क्या हम इन्हें अभी खोल सकते हैं? तुम्हें सुबह तक रुकना होगा। सांता क्लॉस, आपको कैसे पता है किसको क्या प्रेजेंट्स देने हैं? मेरे पास एक लिस्ट है जो शायद मुझसे कहीं खो गई है। ओह। और मेरे पास सिर्फ थोड़े प्रेजेंट्स बचे हैं जो मुझे सूजी शीप, डैनी डॉग, पेड्रो पोन। ये तो बहुत आसान है। सूजी को स्कूटर चाहिए, डैनी को स्पेसशिप, पेड्रो को गिटार, एमिली को खिलौने का चूहा, और जोई को बैट और बॉल, और कैंडी को स्किपिंग रोप, और रिबेका को ट्रम्पेट। थैंक यू पेपा। यू आर मोस्ट वेलकम। अब चलो ये आखिरी प्रेजेंट्स पहुंचाते हैं जिसके लिए मुझे इस छोटी सी चिमनी में चढ़ना होगा। सांता क्लॉस, आप सामने के दरवाजे से क्यों नहीं जाते? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैंने सोचा ही नहीं। बाय बाय पेपा और जॉर्ज। बाय बाय। हैप्पी क्रिसमस। हो हो हो। अब उठ जाओ पेपा और जॉर्ज, आज क्रिसमस है। डैडी, मम्मी, हमने सांता क्लॉस को देखा और उन्होंने हमारे लिए ये प्रेजेंट्स रखे हैं। जॉर्ज को टॉय ट्रेन मिली। चू चू। पेपा को मिला यो यो। चू चू। पेपा के सारे दोस्त आए हैं। हैप्पी क्रिसमस पेपा। हैप्पी क्रिसमस दोस्तों। देखो मुझे स्कूटर मिला। मुझे मिला स्पेसशिप। मेरी छोटी गिटार। खिलौने वाला चूहा। एक बैट और बॉल। एक स्किपिंग रोप और ट्रम्पेट। जिस जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। सांता क्लॉस बहुत होशियार है। पता है असल में तुम सबको क्या चाहिए था वो मैंने ही उन्हें बताया। ये क्या कह रही हो पेपा? सच कह रही हूँ, जॉर्ज और मैंने सांता क्लॉस को देखा। ये आ गए दादा और दादी पिग। हैप्पी क्रिसमस सबको। हैप्पी क्रिसमस। ओहो, वो बड़े जूतों के निशान तो देखो। हमारे छत पर ऐसे ही जूतों के निशान हैं। देखा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सांता क्लॉस को देखा। वाओ। हैप्पी क्रिसमस पेपा।
तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। ये अब तक की हमारी बेस्ट क्रिसमस है। स्नो आज पेपा और जॉर्ज बहुत खुश हैं। बाहर बर्फ गिर रही है। मम्मी क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं? हाँ पर बाहर बहुत ठंड है तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ। अपने कैप्स, स्कार्फ और ग्लव्स भी पहन कर जाना। बाहर बहुत ठंड है। पेपा और जॉर्ज को कैप्स, स्कार्फ्स और ग्लव्स पहनने होंगे। चलो जॉर्ज। पेपा और जॉर्ज बर्फ में पैरों के निशान बना रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को बर्फ में पैरों के निशान बनाना बहुत पसंद है। ओ ये क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉर्ज चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। पेपा और जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। वापस आ जाओ जॉर्ज के बच्चे। ओहो, लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया। सॉरी जॉर्ज। जॉर्ज चलो स्नोमैन बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया। जॉर्ज ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं। ये इसका चेहरा है। अब स्नोमैन को नाक की जरूरत है। स्नोमैन की नाक बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई। स्नोमैन बहुत खुश लग रहा है पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है। स्नोमैन को ठंड लग रही है, उसे कपड़े चाहिए। स्नोमैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले हैं। स्नोमैन ने पहनी अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स। मम्मी डैडी आइए और देखिए। मम्मी ने पहनी है अपनी टोपी, स्कार्फ और ग्लव्स। मैंने आज से पहले इससे अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा। डैडी पिग को ठंड लग रही है। उन्होंने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स नहीं पहने। डैडी आपने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कहीं मिल ही नहीं रहे। शायद मुझे पता है कि डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स कहाँ हैं। डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स स्नोमैन ने पहने हैं। ओह। क्लोई का कठपुतली का खेल।
पेपा और उसका परिवार अंकल पिग, आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे। डैडी पिग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर बच्चों के सामने। पर सही तो है, अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर जोर से खर्राटे मारकर सो जाते हैं। ये ऐसे पेपा, जॉर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ। ठीक है डैडी। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुंच गए हैं। हेलो आंटी पिग, हेलो अंकल पिग। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो? अंकल पिग डैडी पिग के भाई हैं। क्लोई पिग पेपा और जॉर्ज की बहन है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा, हेलो जॉर्ज, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हमारे लिए रुको। ये है मेरा नया कठपुतली यानी पपेट थिएटर, मेरे डैडी ने मेरे लिए बनाया है। वाह! मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाए हैं। इसका नाम है क्लोई। हेलो, मैं हूँ क्लोई पिग। और ये है मेरे डैडी अंकल पिग। हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग। क्लोई, क्या मैं और जॉर्ज भी पपेट बना सकते हैं? हाँ। क्लोई पपेट की आंखें पेंट कर रही है। मैं मुंह बनाऊं? हाँ बनाओ। मेरा नाम पेपा है। जॉर्ज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डायनासोर। क्या डायनासोर? जॉर्ज हर चीज के लिए डायनासोर ही कहता रहता है। ठीक है, डरावना डायनासोर पपेट बनाते हैं। क्लोई जॉर्ज के लिए डायनासोर बना रही है। इसे नुकीले दांत चाहिए, ऐसे। डरावना डायनासोर। लंच तैयार है। आ रहे हैं। खाने के बाद हम सबको पपेट शो दिखाएंगे। आंटी पिग ने खाने में नूडल्स बनाए हैं। ये नूडल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स। तुम दोनों भाई भाई हो, ये पता चल रहा है। हर चीज में एक जैसे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बिल्कुल अलग हैं। पेपा, जॉर्ज और मैं सबको एक पपेट शो दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे, तैयारी हो जाए तो बताना। बाद में मिलते हैं। पपेट शो, मजा आएगा। क्या और नूडल्स खाने के लिए वक्त है? क्या मैं भी खा सकता हूँ? पपेट शो शुरू होने वाला है। हेलो, मेरा नाम है क्लोई। और मैं हूँ पेपा। एक डायनासोर। डरावना डायनासोर। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों। बहुत अच्छे। मैं हूँ अंकल पिग। हेलो अंकल पिग। हेलो पापा। ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। लग रहा है उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया। मुझे मेरा लंच पसंद आया। अंकल पिग, क्या अब आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खर्राटे मारेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? डैडी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खर्राटे मारते हैं, ऐसे। तुम्हारे डैडी सही कहते हैं, मैं सचमुच खर्राटे मारता हूँ। डैडी पिग, आपको अंकल पिग के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे। डैडी पिग और अंकल पिग सो गए हैं। पता चल रहा है दोनों भाई भाई हैं। क्या हुआ? ये क्या, पपेट शो अभी तक शुरू नहीं हुआ? मिस्टर स्किनी लेग्स। पेपा अपने गुड़ियों के घर से खेल रही है। जॉर्ज भी खेल रहा है। पेपा गुड़ियों के परिवार के लिए चाय पार्टी कर रही है। देखो जॉर्ज, मैं हूँ मम्मी और डैडी और तुम बच्चे बन जाओ। बच्चों, चाय का वक्त हो गया है, अपने अपने हाथ धो लो। जॉर्ज गुड़ियों को सुला रहा है।
गुड नाइट। जॉर्ज, बच्चों को सुला क्यों रहे हो? के लिए चाय पार्टी है। जॉर्ज को गुड़ियों को सुलाना अच्छा लगता है। बच्चों, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा। जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुड़ियों को सुलाने में बिजी है। जॉर्ज, अगर तुम्हें मेरी गुड़ियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी होगी। ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ। बच्चों, अभी नीचे आ सकते हो। मम्मी हमारे हैं। जॉर्ज टीपॉट में पानी भर रहा है। वो जॉर्ज को बेसिन में मकड़ी मिली है। जॉर्ज को मकड़ी से दोस्ती करनी है। जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। मकड़ी को भी जॉर्ज पसंद है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ हैं डैडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे। ओह, मुझे माफ कर दो मम्मी, शायद मैं खा गया। हो हो हो। शरारती डैडी। जॉर्ज मकड़ी को बेड पर सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी है। हो, फिक्र मत करो। प्लीज डैडी, उसे बाहर निकालिए। डरने की जरूरत नहीं है। हेलो जॉर्ज, क्या तुमने स्पाइडर को देखा? प्लीज डैडी, उसे निकालिए, वो बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं है पेपा। स्पाइडर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं करते। फिर भी चिंता मत करो, डैडी इसे बेडरूम से बाहर ले जाएंगे। ये तो काफी बड़ा लग रहा है। मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी पिग। हेलो मिस्टर स्किनी लेग्स। पेपा थोड़ी बहादुर हो गई है। उसे मेरी गुड़ियों के घर में अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है। मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर तुम दोनों खेल सकते हो। मम्मी, उसका नाम है मिस्टर स्किनी लेग्स। मिस्टर स्किनी लेग्स तो काफी बड़े हैं, है ना? पेपा और जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। गुड नाइट। जॉर्ज मकड़ी को सुला रहा है। नहीं जॉर्ज, उसे चाय चाहिए, उसे अभी सोना नहीं है। क्या आपको भूख लगी है मिस्टर स्किनी लेग्स? क्या आप थोड़ा केक खाएंगे? पेपा को अब उस मकड़ी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मम्मी डैडी बैठ जाइए, अब हम सब मिस्टर स्किनी लेग्स के साथ चाय पियेंगे। चाय किसे चाहिए? मैं लूंगी। मुझे भी चाहिए। ये तो बहुत ही यम्मी है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। ये रही आपकी चाय मिस्टर स्किनी लेग्स। क्या हुआ? ओह, मेरे डैडी को हेलो बोलना है। हेलो डैडी पिग। रहने दो पेपा, अब मिस्टर स्किनी लेग्स को उनकी चाय जो पीनी है। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना डैडी? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने नजदीक मत लाओ इसे। पेपा को मिस्टर पतले पैर पसंद है। सभी को मिस्टर पतले पैर पसंद है। पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है। लिटिल रेड राइडिंग हुड। सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है, उन्हें घर में प्रैक्टिस करनी होगी। पेपा होगी लिटिल रेड राइडिंग हुड। मम्मी पिग ने पेपा को तैयार किया है और डैडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं। तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत अच्छे। उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैनी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेड़िया। दादा डॉग और मम्मी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं। मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। बोलने के बाद हंसना नहीं डैनी। तुम्हें डरावना लगना चाहिए।
देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं हूँ एक बड़ा बुरा भेड़िया और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखा? हाँ, सचमुच बहुत डरावना था। पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है। वो पेपा को उस भेड़िये से बचाएगा। मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। नहीं, तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेड़िये। मैं तुम्हें भगा दूंगा बुरे भेड़िये। शाबाश पेड्रो। रेबेका रैबिट दादी बनने वाली है। मैं क्या बोलूँ मम्मी? देखते हैं, नाटक के शुरुआत में बड़ा बुरा भेड़िया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा, नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू। कहो थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे रेबेका। स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं। आप सभी का स्वागत है। हम पेश कर रहे हैं द लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से। प्लीज प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है, ऐसा मत कीजिए। और अब शुरू करते हैं हमारा नाटक दादी घर पर है। पर ये मेहमान कौन है? मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। क्या बात है डैनी? ओहो, आगे क्या बोलना है ये डैनी भूल गया। दादी आप अलमारी में चले जाओ। अलमारी में जाओ। बड़ा बुरा भेड़िया दादी बनने की नकल कर रहा है। मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैडी आपको फोटो नहीं खींचने चाहिए। ओहो सॉरी पेपा, जारी रखो। मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ। ओह, तुम मेरी दादी की तरह नहीं दिख रही हो। तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं? तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। पर देखो यहाँ कौन आया है? ये है शिकारी पेड्रो। बचाओ, कोई बचाओ। बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेड्रो। पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। पेड्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ प्लीज। तुम बहुत ही शरारती भेड़िये हो। मैंने आपको बचा लिया दादी। थैंक यू। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे। पेड्रो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बिल्कुल मेरे जितने अच्छे थे। डैडी हो गए तंदुरुस्त। मम्मी बिग टीवी पर फिट रहने का प्रोग्राम देख रही हैं। और एक और दो और तीन और चार, झुको स्ट्रेच करो, झुको स्ट्रेच करो। एक और दो, मुझे टीवी देखना पसंद है। क्या चल रहा है मम्मी बिग? इस प्रोग्राम में तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज दिखाते हैं। अच्छा है, मुझे कसरत की जरूरत नहीं, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। आप तंदुरुस्त नहीं लगते डैडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है। मैं तंदुरुस्त हूँ अभी साबित करता हूँ। पहले क्या करके दिखाऊं? अपने पैरों को हाथ लगाइए ऐसे। आसान है डैडी, बहाना मत बनाइए, कोशिश तो कीजिए। मैं बहाना नहीं बना रहा पेपा। डैडी पिग सचमुच अपनी पैरों की उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते। ओ डैडी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए। जी डैडी, करनी चाहिए। और वो मैं करूँगा कल से। डैडी पिग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। ओह, फिक्र मत करो डैडी, मैं मदद करूंगी। ओ ठीक है, मुझे तंदुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो बताओ पहले क्या करूं? पहले आपको थोड़े प्रेस अप्स करने हैं।
आसान है। एक, दो, शाबाश डैडी। अब मैं चाहती हूँ कि आप 100 करें। 100? हाँ। चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैं भी करूँगा। नहीं डैडी, आपको 100 प्रेसअप्स करने हैं। एक, दो। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज किचन में लंच बना रहे हैं। डैडी पिग अभी भी अपने प्रेसअप्स कर रहे हैं। डैडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10? हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। 12? मैं जाकर देखती हूँ। 14? 15? 16? 17? डैडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपको प्रेसअप्स करने थे। वो क्या है ना, टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा था। ओ शरारती डैडी। शायद डैडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फायदा होगा। इसमें मजा आएगा। मैं साइकिल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा। ये तो नामुमकिन है। ये साइकिल बहुत शोर करती है, टीवी सुनाई नहीं दे रही। आपको कुछ भी करके तंदुरुस्त होना ही है। आइडिया, आप मेरी साइकिल इस्तेमाल कीजिए। हाँ, और इससे आपको ताजी हवा भी मिलेगी। डैडी पिक पेपा की छोटी साइकिल चलाएंगे। डैडी, ये रहे पेडल्स, ये है ब्रेक्स और ये है घंटी। हाँ हाँ, थैंक यू पेपा, मैं जानता हूँ। बाय बाय। कितना आसान है। फिट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं बिना पैडल मारे भी साइकिल चला सकता हूँ। डैडी पिग बहुत तेज चला रहे हैं। ओह, मुझे अपनी स्पीड कम करनी होगी। इसके ब्रेक्स तो लग ही नहीं रहे। डैडी पिग ने बहुत देर कर दी। मम्मी, डैडी कहाँ होंगे? फिक्र मत करो पेपा, डैडी इतनी देर बाहर है मतलब उन्हें जरूर मजा आ रहा होगा। डैडी, आप कहाँ गए थे? मैं पहाड़ी में बहुत तेजी से नीचे गया था और फिर मुझे साइकिल को इतने ऊपर तक वापस लाना पड़ा। ओह, बेचारे डैडी पिग। पर मेरी एक्सरसाइज तो हो गई ना। हाँ, आज के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कल फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। क्या? डैडी, अगर तंदुरुस्त होना है तो रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अरे नहीं। पर कोई बात नहीं डैडी, मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है। ड्रेस पार्टी। पेपा और जॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने डायनासोर की ड्रेस पहनी है। ये है पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है। हेलो सुजी। हेलो मिस्टर पिग। मुझे खुशी है कि नर्स आ गई। क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फैंसी ड्रेस वाली नर्स हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह, ये कौन आए हैं? मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। नहीं, मैं एक जोकर हूँ। बहुत अच्छे। तुम क्या बनी हो रेबेका रैबिट? मैं गाजर हूँ। बढ़िया, अंदर आ जाओ। एक फेरी प्रिंसेस और डायनासोर तुम सबसे मिलने के लिए रुके हैं। कैसे हो दोस्तों? हेलो पेपा। हेलो सुजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ नर्स सुजी। मुंह खोल कर कहिए आ, आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रेबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो?
मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर। पेपा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पेपा। हेलो पेपा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। डायनासोर। ओहो, जॉर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? मैं। यह पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पेपा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। अब कैंडी। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। बच्चों बच्चों। सॉरी मम्मी। अब कौन? मैं जो करूं। कितना मजेदार है। और रिबेका? मैं गाजर हूँ। अरे वाह। और मेरा छोटा भाई जॉर्ज डरावना डायनासोर बना है। सबके ड्रेस बहुत अच्छे हैं। अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ, और विजेता है पेपा। पेपा, तुम खुद को नहीं चुन सकती, तुम जज हो। ओह, नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और विजेता चुनना होगा। ठीक है, गाजर जीती। थैंक यू। पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। गर्मी का दिन। सूरज चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कितना प्यारा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए। मुझे मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड्ढे सूख गए हैं। मम्मी डैडी, गड्ढे सारे सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते। कोई बात नहीं पेपा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो। हाँ, स्विमिंग पूल। लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे। जी मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं। मम्मी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है और डैडी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। बहुत धूप है, तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी। याक, बहुत चिपचिपा और गंदा है। याक। इसकी क्या जरूरत है? है, आज हम सबको जरूरत है। चलो जॉर्ज, इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं। डैडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं। कितना आसान है। पेपा ने पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा और जॉर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है।
आइसक्रीम आइसक्रीम, मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम, गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी डैडी, क्या जॉर्जर में आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हुरे! क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिग के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघलकर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिग सो गए। डैडी पिग को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी डाला। ओ, अच्छा, थैंक यू पापा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज जूते पहनो। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हैं। पेपा और जॉर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है, पर सबसे ज्यादा उन्हें गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है। गाड़ी की सफाई। डैडी पिग पूरे परिवार को गांव में घुमाने ले जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? तैयार है। हाँ डैडी पिग, हम तैयार हैं। पर गाड़ी तैयार नहीं, देखो कितनी गंदी है। ओह, इतनी गंदी नहीं है, अंदर से देखो ज्यादा गंदी है। शरारती गंदे डैडी। शरारती गंदे डैडी। जरा ये सब कचरा तो देखिए। अखबार, वो मेरे हैं। चॉकलेट, वो मेरे हैं। मिस्टर डायनासोर। डायनासोर। घूमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए। ओह, सही कह रही हो मम्मी पिग। मम्मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो। डैडी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए। डैडी पिग छत धो रहे हैं। मम्मी पिग बोनेट धो रही है। पेपा दरवाजे धो रही है। जॉर्ज को खिड़कियां धोनी हैं, पर वो बहुत छोटा है। बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड्ढे में गिरा दिया। जॉर्ज, तुम गाड़ी को दोबारा गंदा कर रहे हो। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पापा, वो पानी गंदा है। ओफो, पापा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। ओह, कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। हाँ हाँ, क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? वाह!
सॉरी मम्मी। डैडी पिग प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो अभी किए देता हूँ। ओहो, सब भीग गए। चलो अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। डैडी पिग इतनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे। हाँ मम्मी पिग। हाँ मम्मी पिग। मम्मी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी। शरारती मम्मी। शरारती गंदी मम्मी। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग को मिलने आए हैं। दादी पिग। दादी एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो। जी दादी। पेपा, जॉर्ज, देखो मैंने क्या बनाया, छोटे पर्दे। ये छोटे पर्दे क्यों बनाए दादी? ये एक सरप्राइज है, तुम्हें देखना है दादा पिग ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जी दादी। दादा पिग, दादा एग। हेलो पेपा और जॉर्ज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक ट्री हाउस। एक ट्री हाउस जॉर्ज और मेरे लिए? और ये छोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए। पेपा और जॉर्ज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया। थैंक यू दादी पिग। थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग। क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है।
डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। अब आप अंदर आ सकते हैं डैडी। अपने जूते उतारिए। मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा। क्योंकि आपका पेट बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, डैडी पिग ऊपर से जा सकते हैं। पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं। डैडी, मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है। मुझे कभी बाहर नहीं आना। अच्छी बात है पेपा। क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना? नहीं, मुझे नहीं आना। तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं। कुकीज। दादी पिग। ये रही तुम्हारे लिए कुकीज। पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा। ये आसान है। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है। द स्कूल फेट। आज स्कूल मेले का दिन है। पापा को मेले में आना अच्छा लगता है। ये हैं पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। हेलो। मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है। मुझे भी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैं फेस पेंटिंग करना। गुब्बारे पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा उछलने वाला कासल पसंद है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत अच्छी पसंद है पेपा। फिर मिलेंगे पेपा। फिर मिलेंगे। जॉर्ज, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? डायनासोर। ओह डियर, मेले में कोई डायनासोर नहीं है जॉर्ज। शायद हम एक डायनासोर गुब्बारा ले सकते हैं। आपको यकीन है उनके पास डायनासोर गुब्बारे हैं डैडी पिग? हाँ हाँ, जरूर होंगे मम्मी पिग। क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मुंह पेंट कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है। तो ये लो सूजी, अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो। थैंक यू मिस रैबिट। वाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी। क्या तुम पुसी कैट हो? नहीं, मैं टाइगर हूँ। पेपा, तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती। मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर? उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं। पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों। ओ, ये क्या है? तुम सब टाइगर्स हो। और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओह हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ओ डियर,
मेरे पास डायनासोर का कोई गुब्बारा नहीं है। ओ। फिक्र मत करो जॉर्ज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम ये दो लंबे गुब्बारे ले सकते हैं? सब लोग उसको देखो। डैडी पिग गुब्बारे से क्या कर रहे हैं? बन गया। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? ये कंगारू है? नहीं, ये है डायनासोर। बिल्कुल ठीक, डायनासोर। डैडी पिग ने एक डायनासोर गुब्बारा बनाया। डायनासोर, अब वो उछलने वाला कासल। पापा को उछलने वाले कैसल में उछलना पसंद है। सबको उछलने वाले कैसल पर उछलना पसंद है। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बियर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बियर। मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बियर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पिग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बियर आए थे। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बियर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रेबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी, मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, और रिबेका, क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बियर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुँच गई। तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज।
अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं भी। अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। Thank you.